जो हमें चीजों को राग द्वेष से युक्त होकर के देखने को मजबूर करता है, जबकि हमें वीतराग भाव से चीजों को, और वीतराग भाव से ही देखने पर चीजें ठीक दिखाई पड़ती हैं, राग द्वेष से देखने पर तो चीजें दिखाई ठीक नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, हमारे अपने कर्म हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इतना ही नहीं, हम उन कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ले पाते हैं, हम किसी और को दोषी ठहराते हैं कि मेरा विश्वास इसलिए नहीं जमता, मेरी श्रद्धा इसलिए नहीं जमती। देखो ये इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए मेरी भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, गुरुजनों के प्रति, उनके सब हमने देख लिए, उनकी चालें हम जानते हैं, उन पर हमारी श्रद्धा नहीं जमती। शास्त्र में कितनी बातें लिखी हैं, क्या होता उससे, हमारी श्रद्धा ही नहीं जमती। सब ठीक होने के बाद भी मेरे भीतर का जो मोह है वो मुझे इन सब चीजों के बारे में ऐसा उलट पुलट सोचने के लिए मजबूर कर देता। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्ण बादो दर्शन मोह से कैसे परिणाम होते हैं, जबकि ये अश्रद्धान मेरे भीतर जागृत होता है। असल में जो महान आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, उनमें जो दोष नहीं है, उन दोषों का हम आविष्कार कर लेते हैं, उन दोषों को उनमें कल्पना करने लगते हैं, इसे कहते हैं अवर्णवाद। और ये जो अवर्णवाद है जिसमें